अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा माजद और मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान शाह। आज से ठीक दो साल कबल मुल्क में आम इंतखाबात थे। 25 जुलाई 2018 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसके बाद तब्दीली का सूरज तलू हो गया और हमें ये बताया गया था कि जब आएगा इमरान बनेगी सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। हमें ये ख्वाब दिखाया गया कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, तैयार हो लाहौर। दो साल हो गए आम इंतखाबात को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को भी दो साल होने को है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस दो साल में अवाम ने क्या खोया क्या पाया। कप्तान ने पहले 100 रोज का मंशूर दिया, फिर वो मंशूर बढ़ता बढ़ता 6 माह पे चला गया, फिर ये बताया गया कि 1 साल दे दें हालात बेहतर कर देंगे, फिर ये बताया गया कि 2 साल दे दें हालात बेहतर कर देंगे। अब बिलाखिर 2 साल भी गुजर गए और हालात बेहतर नहीं हुए। अवाम किस हाल में जी रही है? हमने मुसलसल प्रोग्राम्स किए और जब इंतखाबात हुए तो मुसलसल मैराथन ट्रांसमिशंस की और बताया कि मौजूदा सिचुएशन क्या है, अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है इंतखाबात के बाद, अवाम क्या चाहती है, अवाम के मसाइल क्या हैं, ये हम 12 इंतखाबी ट्रांसमिशन में आपको आगाह करते रहे। अब 2 साल हो गए हैं कि तब्दीली का सूरज तलू हो चुका है, तब्दीली मौजूद है। जिस इमारत के सामने मैं खड़ा हूँ ये है पंजाब असम्बली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात के बाद बिलाखिर पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, जबकि पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मेजॉरिटी नहीं थी। वफाक में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बनी, पंजाब में हुकूमत बनी और उसके बाद पंजाब की अवाम, लाहौर की अवाम खासतौर पर तवक्को कर रही थी कि कप्तान ने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज लाहौर से किया था। वो 126 दिन का धरना जो सामने आया वो उसका भी आगाज लाहौर से किया गया था। कप्तान ने अपना मेजर कैंप लाहौर में लगाया और 12 बताया कि अगर हम लाहौर को जीत लेंगे, पंजाब को जीत लेंगे तो हम हालात तब्दील कर देंगे। कप्तान ने अपनी सियासी कैंपेन में 12 बताया आपको कि जब मैं बरसर इकदार आऊंगा पुलिस ठीक करूंगा, जब मैं बरसर इकदार आऊंगा माफिया से लड़ूंगा, जब मैं बरसर इकदार आऊंगा तो मुल्क के हालात बेहतर कर दूंगा, जब मैं बरसर इकदार आऊंगा तो मुल्क के कर्जे खत्म कर दूंगा, जब मैं बरसर इकदार आऊंगा तो 50 लाख घर बनाए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ये वो वादे थे जो कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से और इस कौम के लोगों से किए। अब कप्तान इस मुल्क का कप्तान बन चुका है, इमरान खान वजीर अजम पाकिस्तान बन चुके हैं, उनकी टीम उस्मान बुजदार साहब वजीर अला पंजाब है। तो आज के प्रोग्राम में अवामी राय लेंगे कि 2 साल हो गए, अवाम किधर खड़ी है, जो वादे किए गए, जो बातें बताए गए, जो नारे लगाए गए और जो दावे किए गए हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जाने से, वो कितने बुरे हुए आपको दिखाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन अवामी रिएक्शन आपको सुनवाते हैं, अवाम की राय क्या है। तब्दीली को 2 साल हो गए इंतखाबात को और जिसके बाद तब्दीली का सूरज तलू हुआ, अवाम क्या कहती है? 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जब इमरान खान साहब आए, कैसा लगा ये 2 साल? इंतहाई मुश्किल और बिल्कुल भी जीना मुश्किल कर दिया, कारोबार बंद कर दिए, कारोबार इतनी महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है बहुत ज़्यादा, पसंद नहीं आया, खर्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे अभी तो, अभी खर्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे। 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जी जी, इमरान खान साहब वजीर अजम पाकिस्तान बन गए, पंजाब में उनकी हुकूमत आ गई, कैसे लगे आपको ये 2 साल? 2 साल में सर मुश्किल तो आई है लेकिन अब अल्लाह बेहतर करेगा, अब इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं हम, लेकिन हम तो मजदूर आदमी हैं, उसमें कारोबार में बड़ी परेशानी हुई है, हमें परेशानी हुई है, परेशानी तो लाजमी बात है हुई है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, मजदूरी करते हैं, यहाँ काम नहीं मिलता हमें, ठीक है। 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जी सर, जिसके बाद इमरान खान साहब वजीर अजम पाकिस्तान बन गए, 2 साल हो गए हैं, कैसे लगे ये 2 साल? बहुत मुश्किल गुजर रहे हैं, अभी भी बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं 2 साल। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में हूँ, काफ़ी ज़्यादातर कंपनी में वर्कर जो है वो इस वक्त घरों में बैठे हैं, घरों में बैठ गए, घरों में बैठे, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई नहीं, कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, BSc इंजीनियर तक कर रहा है इस वक्त धक्के खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बिल्कुल इंजीनियर भी, बिल्कुल भाई। 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जिसके बाद इमरान खान साहब वजीर अजम पाकिस्तान बन गए, वादे पूरे हुए, तब्दीली के कुछ भी नहीं हुआ, पूरा कुछ भी नहीं हुआ नहीं। तो ये 2 साल कैसे गुजरे हैं आप? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। हाँ जी, आपके कैसे गुजरे हैं? देखें जी, अपना हक मांगना एक जुर्म बगावत है यहाँ, जिसकी पदावत है, जिसकी पदाश में होंटों को सी दिया जाता है, जगमगाते हुए महलों के तहफ्फुज़ के लिए बेशुमार आँखों को बेनूर किया जाता है,
ये 1951 में अहमद राई साहब ने लिखा था और वो आज भी यही है सिलसिला। इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन उनके नीचे नीचे टीम है ना, दे ऑल गाइज आर करप्ट। अब प्रॉब्लम ये आ चुकी हुई है कि उनसे वो मैनेज ही नहीं हो रहे, वो ठीक है जब वो मैनेज नहीं हो जितना भी दिक्कत रख दिया इमरान खान ने, रोटी मजदूर हुए पे गरीब आदमी तबाह हो गई है। एक जो मेजर प्रॉब्लम की है ना इमरान खान साहब ने, 266 रुपीस बिल आए हैं जिनके 100 यूनिट से कम थे, इस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए। अब जब लॉकडाउन हुआ था तब तो पैसे नहीं थे, लोगों के पास पैसे थे, अब लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, नहीं रहे। अब 10,000 रुपये बिल आ गया, अब वो बिल सारे करके 10,000 रुपीस बिल आ गए, 10,000 बिल आ रहा है क्योंकि वो नहीं, वो टोटल सारे जमा किए हैं ना, ठीक है तो 10,000 बिल हो गया हुआ है। यानी मुश्किलात हैं बहुत। 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे, जी जी, वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए जी, हालात कैसे रहे? हालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। ये अवामी रिएक्शन है और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, ये हॉल रोड है और एक तरफ SOPs फॉलो करने हैं और उसके बाद कारोबार होना है, तो हम अंदर ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे तो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन आज क्योंकि तब्दीली के 2 साल हो चुके हैं इंतखाबात के, वो दिन जिसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बरसर इकदार आई, तो हम अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम क्या कहती है। चाचा 2 साल पहले इलेक्शन हुए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए जी, तो किस तरह रहे 2 साल? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਸੇ ਰਹੇ ਆਪਕੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ? 2 ਸਾਲ ਕੈਸੇ ਰਹੇ? ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹੈ। चलो जी, हमें कोई अच्छा भी मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। 2 साल पहले 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए और उसके बाद इमरान खान बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, तब्दीली का सूरज तलू हो गया, क्या वादे पूरे हुए कप्तान के? देखें, जो अगर हम वादों की बात करेंगे तो जो बातें उन्होंने की हैं वो इतनी जल्दी तो एकदम से पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए टाइम ज़रूर चाहिए होगा। हमें चाहिए हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। हाँ, 5 साल बाद हम उनसे पूछें, जैसे हमने मियां साहब से 5 साल बाद पूछा, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये 2 साल आपके कैसे गुजरे? देखें, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। हम अगर ये कहें कि 73 साल का गंध हम अगर 1 साल में पूरा कर, एक साल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी अच्छे, आपकी तवक्कोआत के मुताबिक सही चल रहे हैं? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तवक्कोआत के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आई हैं कि जो जिसके अंदर उन्होंने, देखें जैसे एहतसाब का अमल जो हमने उन्होंने शुरू किया, वो हो गया मुकम्मल? नहीं, वो मुकम्मल नहीं हुआ। कुछ नज़र आया कोई? बहुत कुछ नज़र आया, बहुत सारे रिकवर हुआ। क्या रिकवर? बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। आपको क्या नज़र आया, क्या रिकवर हुआ? कुछ देखें, बहुत सारी हमें ये भी पता है कि करप्शन कम हुई हुई है कम बिल्कुल कम हुई करप्शन कम हुई है करप्शन यहाँ पे हर जगह नजर आती है। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है जो हो रहे हैं काम हो रहे हैं। जो हुकूमती वज़रा खुद कह रहे हैं करप्शन ज्यादा हो गया, आप कह रहे हैं कम। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे KPK के अंदर आप देखें, अभी एक रिसेंटली वजीर के बारे में वो उनकी वीडियो रिलीज हुई है, ठीक है, कमीशन लेने के बारे में, उन्होंने फौरन उसको डिसमिस वजीर साहब, अजमल वजीर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, ये अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात है। खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, आज से 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे और जो वादे किए थे वो खान साहब ने पूरे किए? कोई वादा नहीं पूरा किया। बताएं, आप बताएं कौन सा वादा पूरा किया उन्होंने? गरीब आदमी के लिए मुश्किल गुजर हुई है। गरीब आदमी को छोड़ो, हम दुकानदारों के लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल है कारोबार भी, बिल्कुल कारोबार 7 बजे तो ये बंद करा देते मार्केट। बता, आदमी पूछा कि 7 बजे के बाद क्या कोरोना गायब हो जाता है? कम से कम 10 बजे का टाइम रखे, जुम्मा हफ्ता वैसे छुट्टी, हफ्ते ही तो छुट्टी वैसे, तो ऐसे काम नहीं चलते। इनको चाहिए कि आप देखें रश कितने देर मारे कैमरे का, रश देखें कितने, इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। मेरे हिसाब से कोरोना ख़त्म होता हो गया है, इन्हें चाहिए कि अब टाइम देना चाहिए। आज ईद है, यकीन करेंगे बच्चों के कपड़े नहीं लेके मारे? नहीं लिए, यकीन करें कुछ भी नहीं लिए है नहीं। आपने परसों देखा वो 5 वो जो बच्चे लेकर उसे जहर खिला दिया, आर्मी भी है, ये देखें, ये खान साहब को साथ देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, ठीक है जी, खान साहब को साथ देना पड़ेगा। यहाँ पे हम अवामी
राय सुन रहे हैं। भाई दो साल पहले इलेक्शन हुए और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान बन गए, सिर्फ ये पूछना कि दो साल आपके कैसे गुजरे हैं? यार आप अगर किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो उसको पिछले साल की और इस साल की कारकर्दगी के बाद एनालाइज करें ना, आप पहले से पूछ रहे हैं। अब तो उनकी गवर्नमेंट जो है टेन्योर चल रहा है ना, मतलब 2018 से लेके अभी 2020 आया, फिर उसके बाद आपके पास ने पहले कहा ना कि 100 रोज में ये कर दूंगा। देखिए पॉलिसी उनकी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम साल दे दें, अब दो साल हो गए। ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके लिए बतौर इस मुल्क का शहरी ये दो साल कैसे थे? मैं इस दो साल को प्रोग्रेस के तौर पर लूँगा। अगर आप उसको एनालाइज करें ना, पिछले साल जो गवर्नमेंट उतरी है वो किस तरह से क्या हालात छोड़ कर गई है और जो चल रही है वो किस तरह से उसको बैलेंस कर रही है। पहले आपका डेफिसिट क्या था, अब आपका डेफिसिट क्या चल रहा है, अब आप इसको टेन्योर के एंड पर देखेंगे ना कि कौन सी सक्सेसफुल ज़्यादा रही है। दो साल के से ज़्यादा शुमार कह रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। आप कैसे देख सकते हैं, आपका 2008 में तो आपके जो है मुशर्रफ साहब उतरे हैं, ठीक है, उसके बाद 5 साल का टेन्योर आपका एक गवर्नमेंट का गुजरा है जो कि पिछले दिनों डॉन में आया था, इंतहाई करप्ट गुजरा है, आप डॉन में नहीं सॉरी ग्लोबल विलेज के आर्टिकल आया था, ठीक है। उसके बाद आप एक टेन्योर गुजरा है नवाज शरीफ हुकूमत का, एक टेन्योर ये कम से कम 25-30 साल तक तो आपके जाके बैलेंस होंगे ना मामला। इमरान खान साहब को 25 साल दिए जाए, इमरान खान साहब को 25 साल दिए जाए, शायद आपका डेमोक्रेसी को जो है ना 20-25 साल 35 साल 30 साल दिए जाए, जब आके हालात आपके बैलेंस होना शुरू होंगे। ये दो साल में इन्होंने क्या किया पंजाब में, कौन सा काम किया? सर मैं तो नहीं बता सकता ना, तो मैं जजमेंट दे सकता हूँ इसकी कि उन्होंने काम किया। वो उसका एक अच्छा सवाल है कि आपको कुछ नजर आया पंजाब में कौन सा काम किया? सर आप इसको इस तरह ना कंपेयर करें, आप देखेंगे पिछली हुकूमत जब उतरी है तो आपके पास क्या थे डेफिसिट और डेफिसिट रही है, पहले बताएं 2 साल 2.5 साल में क्या किया खासा? वैसे मैं सर स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं ना, वैसे ही कह रहे हैं आप। आपसे 2 साल में उन्होंने क्या किया, 2.5 साल में क्या किया? सर ये तो आप इमरान खान से नहीं, मैं पंजाब का नहीं हूँ, बेसिकली कहाँ से आए? मैं सिंध से हूँ। सिंध से है ना? इनसे जी बिल्कुल। लेकिन आप देख तो यहाँ पे रहे हैं ना, मैं मुझे 2 महीने हुए मैक्सिमम, 2 महीने। तो 2 महीने में आप क्या कह सकते हैं, हमें दो साल हुए। ठीक है थैंक यू। हम आगे लेते हैं जी अवामी राय। 2 साल पहले इलेक्शन हुए और फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, 2 साल कैसे गुजरे? तो कहते बाकी चोर जिन्हों को फड़िया उन्होंने पैसा कोई लीता है। ठीक है, ये गुस्सा है अवामी गुस्सा, ये हम जान रहे हैं। भाई 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे, हाँ जी, फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, हाँ जी, मुल्क में तब्दीली आ गई, हाँ जी। तो ये 2 साल में तब्दीली कैसी रही? हमारे लिए तो कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई नहीं, महंगाई बहुत है बस। अच्छा, हाँ जी, चीज़ें सस्ती नहीं हुई? कुछ भी नहीं सस्ता। खान साहब ने कहा था रोटी सस्ती होगी महंगी होगी, कुछ भी नहीं, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा। ये जो गंदम है वो 2021 हुई पड़ी है, तो आटे का अभी बहुत बुरा साल पड़ा हुआ है गंदम खाने का, तो आप ही देख लें क्या हाल होगा वहाँ का, बुरा हाल है। हाँ जी ठीक है जी, कैसे लगे ये 2 साल? 2 साल देखें, गवर्नमेंट जो है न्यू गवर्नमेंट आई है तो अब तो 2 साल हो गए ना, तो नहीं है देखें ना, ये 2 साल हुए हैं, कम से कम 30 साल में और 2 साल में फर्क तो है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। देखिए आप मिनिस्टर्स की बात ना करें, मुझे इमरान खान पे ट्रस्ट है। वजीरों को निकाल दे, मिनिस्टर को सदारती निज़ाम आ गया तो बाकी निकाल देगा वो, निज़ाम ही तब्दील कर ले अभी। निज़ाम ऐसा ऐसा तब्दील होगा, एकदम नहीं होगा, ये पानी का गिलास नहीं है कि पानी डाल दिया भर गया उसको उल्टा दिया तो खाली हो गया। आप सदारती निज़ाम का इंतजार करें ना भी करें, उसको डिलीवर करने में वो कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द माफिया। आपके लिए 2 साल अच्छे गुजरे हैं? बहुत अच्छे गुजरे हैं, वेरी गुड, बहुत खुश नसीब आदमी है। 2 साल पहले जी वालेकुम सलाम इंतखाबात हुए थे, फिर इमरान खान साहब वजीर अजम पाकिस्तान बन गए, तो आपके लिए 2 साल कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल से गुजरे। मुश्किल से गुजरे? बहुत मुश्किल। कोई बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं। खान साहब ने तो इतने वादे किए, वो सब झूठे हैं, लोग कह रहे हैं बड़ा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिल आएगा, बिल फाड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, कुछ भी नहीं हुआ। आप फाड़े हैं बिल? बिल्कुल फाड़े हैं। फाड़े हैं, फिर आया भी बिल बढ़ के आया, फिर फिर मजा आया, फिर बिल्कुल आया, तब्दीली इंजॉय की। नहीं नहीं, लेकिन वोट हमने शेर को दिया। शेर को दिया? हाँ। वोट किसको दिया? शेर को। दोबारा? ठीक है जी। भाई खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने, 2 साल पहले इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में वो जीत गए और फिर वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, तो ये 2 साल आपको कैसे लगे? बहुत सही गुजारा। अच्छा, जबरदस्त। 2023 का ये लोग इंतजार करेगा, इसके अलावा भी 2028 का इंतजार करें, 2028 तक भी ये रहेंगे? ये 2028 के भी रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी हो। वेरी गुड, ये जज्बा है। हाँ जी, कैसा है? आवाज़ आ रही रहा है, आवाज़ आ रही रहा है। यानी कोई बेहतरी? कोई बेहतरी नहीं है।
हाँ जी नहीं नहीं बिल्कुल इसको छोड़। स्टार्ट में हमने देखा था कि हमने को हमारी ये हमें ऐसा लगता था कि हो सकता है कि बेहतर हो जाएगा, फलां टैक्स ये टैक्स वो टैक्स सारे भरेंगे तो हो सकता है बेहतर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह टाइम गुजर रहा और जो परेशानियाँ और बढ़ती जा रही, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कुछ बेहतरी नहीं हो रही, कोई बेहतरी नहीं हो रही। बेहतरी होनी चाहिए, बेहतरी हो तो हुकूमत है, बेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है, लेकिन अगर नहीं हो रही बेहतरी कोई भी तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी हुकूमत का। और आगे परेशानी सारी तालीम बंद कर दी है, पेपर्स नहीं हो रहे, पता नहीं चल रहा आगे क्लास में प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या, कुछ सही पता नहीं चल रहा। इस बारे में कोई हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे बिल्कुल। इस दो साल में क्योंकि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, आप 25 जुलाई 2020 आ गई है, दो साल गुजर गए उस इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन में कहा गया कि बड़ी कैंपेन की गई हम हालात ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपने कुछ बेहतर होते नहीं नहीं कुछ बेहतर, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ भी बेहतर हुए नहीं देख रहे हैं हम, मतलब रात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। दो साल हो गए भाई इलेक्शंस को, वो इलेक्शन जहाँ पे यहाँ पे भी खान साहब बाहर आए और नारे लगाए और एहतजाज किया, तो अब आपके ख्याल से दो साल कैसे रहे? ये हर बंदा जो भी आता है मुल्क को खा रहा है, बस इलेक्शन जब आते हैं बैनर्स वगैरह बस तब आवाम की खिदमत करते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं आवाम को, गरीब आवाम के लिए हर चीज़ गरीब आवाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ जाई जा रहा है, कोई महंगाई का बस ये है कि जब दूसरों के दौर में होते तो बातें करते हैं कि हमारे दौर में ये चीज़ अगर हम हो तो हम इतने की देंगे उतने की देंगे, लेकिन आने के बाद जब कम करते हैं तो वही 6 दिन बाद पहली तरीके से पहले ही दोबारा ऊपर उसकी प्राइजेस फिर हाई कर देते हैं। दो साल कैसे गुजरे हैं? रो तो क्यों? उठते चला गया सारा कुछ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके वास्ते गल नहीं की उन्होंने चले ली कैबिनेट सारी खतरनाक मिल गई है, खतरनाक मिल गई है। टीम चंगी नहीं मिली कप्तान? नहीं कप्तान टीम नहीं, यानी तुसी कह रहे हो टीम तब्दील कर लो? टीम तब्दील करो, कोई तो मुसलमान मदीने को लभ के लिया बंदे को चंगे लग जाते। ठीक है ये आपने मशवरा सुना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो साल पहले इलेक्शन हुए थे ये बोलेंगे ये? फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो साहब। हाँ जी, कैसे लगे ये दो साल? यार दो साल हम बड़े इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि पता नहीं उसको इन लोगों ने कैसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनको हुकूमत चलाने ही नहीं दे रहा कोई बंदा, वो तो हम भी परेशान है, वो खुद भी बेचारा परेशान है। कौन चलाने नहीं? वो मेरा तो ख्याल है ये जो हम ब्यूरोक्रेसी है टिकट वोट के आश्रय पे नवाज शरीफ या जरदारी इसको हुकूमत बनाने देते थे, वो इसके तो बाप को भी खरीद लें वो लोग, ये तो उनका पीछे हाथ था तो इसने हुकूमत बना ली, तो बना ली ना। हाँ जी, अब वो चला भी वही रहे ना, इसकी मर्जी, ये ऐसा बंदा नहीं है, यानी कि इसका जो करेक्टर है या इसकी जो पर्सनैलिटी है या इसका जो मूड है ऐसा काम करने वाला बंदा नहीं है। फिर छोड़ क्यों नहीं? ये छोड़ने में नहीं ना दे रहे गले में, वो कहता है कंबल को मैं तो छोड़ता हूँ, कंबल नहीं मुझे छोड़ रहा। ठीक है, ये अवामी राय जी, अवामी राय आपको सुना रहे प्रोग्राम में, वक्त ब्रेक का। नाज़रीन ब्रेक के बाद तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं 25 जुलाई 2018 को जब आम इंतखाबात हुए, उसको आज 2 साल हो चुके हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, पंजाब में उनकी हुकूमत आई, उस्मान बुज़दार को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनाया। आवाम से किए गए वादे क्या पूरे हुए या नहीं हुए, आवाम इस पर क्या कहती है, यही आज आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी चाचा, किया? ठीक है जी। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, 2 साल हो गए, इलेक्शन हो इसी 2 साल पहले, तब्दीली आई है? आई दी है जी, आई दी है। हालात बेहतर हो? बेहतर तो नहीं हो, खराब ही हुए ना। खराब हुए यानी खराब होनी तब्दीली आई है? हाँ जी। गरीब वास्ते कितनी मुश्किल? सब तो ज़्यादा मुश्किल। हाँ जी ठीक है जी। ये खान साहब इनकी बड़ी बात करते हैं, छाबड़ी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, वो कह रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जब से खान साहब बरसर इकदार आए हैं। हम अवामी राय आपको मजीद सुनवा रहे हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आपने। 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जी, फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, कैसे गुजरे ये 2 साल? बहुत ही मतलब मुनासिब नहीं था, और ना उस तरह से काम हुआ है जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में इतने काम किए माशाल्लाह। खान साहब ने वादे पूरे? खान साहब ने कोई वादा पूरा किया ही नहीं है। कौन सा वादा पूरा हुआ है आप मुझे खुद बताएं, एक वादा बता दें पूरा हुआ हो। पूछना चाह रहा हूँ, कोई वादा नहीं पूरा हुआ।
वोट आपने दिया ना 25 जुलाई? मैंने नहीं दिया, लेकिन एक बात है, कोई अच्छा काम किया हो, बातें करने से, लोगों के दिल जीत लेने से उससे कुछ भी नहीं होना फायदा। दिल काम करने से, काम करने से होगा ना। देखिए हमारा मीडिया नून लीग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप खुद एक चीज देखें, लोग नून लीग को सपोर्ट इसलिए करती हैं कि लोग उनके काम देके उनको सपोर्ट करते हैं। काम देके देखें ना, काम साहब ने होगा तो सपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर वो कहते हैं ना खाते हैं तो लगाते भी हैं, बात वो नहीं है, लेकिन एक चीज है कि चीज नजर भी आनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा खाले लेकिन लगा दे, लगाए तो सही, कुछ भी नहीं लग रहा। इस मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा, लोग हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। क्यों रो रहा है? दो साल पहले इलेक्शन हुए, फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। कैसे गुजरे ये दो साल? बहुत बुरे गुजरे हैं। बहुत बुरे। कोई काम नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई जी। दो साल पहले इलेक्शन हुए जी, दो साल हो गए, 25 जुलाई 2018 को हुए थे, 25 जुलाई 2020 आ गई है, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए, पंजाब में भी हुकूमत बना ली, तब्दीली आई है कोई? तब्दीली तो बिल्कुल नहीं आई सर जी, ये सब झूठ है, ये फिल्मबाजी है। झूठ है। हाँ जी, तब्दीली नहीं आई। तब्दीली आई है, ज़्यादा लूटमार हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, चोरियाँ हो रही हैं, यकीन कर। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं। दो साल कैसे गुजरे? बहुत बुरे गुजरे। मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी से गुजारा नहीं होता, पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, 8 बजे छुट्टी मिलती है, उसके बाद पार्ट टाइम काम करते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। आटा महंगा है, चीनी 13,000 रुपया घर का बिल आया है, 4 बच्ची हैं मेरी, पढ़ाना भी है, तलीम भी है, उनके अखराजात भी है, दवाई दारू भी है। कहते हैं ना ये बिल पाड़ दो, ये टैक्स नहीं लेंगे, 3 महीने का बिल कहा था, अब 3 महीने का बिल आया 13,000 रुपया, 4,000 वाला बिल 13,000 कैसे मैं दूंगा? ये 4,000 का बिल 13,000, 13,000 रुपया आया है, कैसे दूंगा? हालात तो बेहतर नहीं हुए कुछ, आमदन बढ़ी नहीं है, आमदन की छोड़े हैं, हफ्सा नफसी का दौर है, करप्शन हमारे मुल्क में इतनी है ऊपर से लेके नीचे तक। बड़े लोगों को पकड़े ना, जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो अमरीका में बैठे हैं, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, दुबई में, सऊदीया में बैठे, उनको पकड़े ना, कोई कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, हर एक की तरक्की हो रही। मैं जो बोलूंगा आज रात को मुझे नए वाले उठा लेंगे, ये सी आई ए वाले नहीं उठाते, ये चलाएंगे हम, नहीं उठाते आप, चलाएंगे ये, चलाएं कोई नहीं। मैं कराची गया था, ये भी बोला था मैंने 3 माह पहले, कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 साल हो गए जी इंतखाबात को जी, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ जी, और आप 25 जुलाई 2020 आ गए। सर मैं थोड़ा सा ये शॉर्टली ये बता दूं, किस 72 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, 72 साल में कोई इम्प्रूवमेंट आई है मुल्क में किसी भी शोबे में? नहीं आई। नहीं ना आई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आई। किधर आई है? दुनिया में सबसे पीछे हम रह गए हर शोबे के अंदर। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त का ग्राफ बहुत अच्छा था, आज हम बहुत बिलो हैं, डिक्लाइन की तरफ है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपकी जो ये लेजिस्लेटिव असम्बली है, पार्लियामेंट, ये सारी पार्लियामेंट में एक बंदा भी इस काबिल है कि जो लेजिस्लेशन कर सके, कानून साजी कर सके? नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं, अब ऐसा, ये तो आप जनरल स्टेटमेंट, कानून साजी की है सर, जनरल स्टेटमेंट सर, ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है इस जमहूरियत ने। अच्छा ठीक है, क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही ख्वार होते हैं। आप कह रहे जमहूरियत ने बेवकूफ बनाया, तो कौन सा निजाम आना चाहिए? नहीं, सारे निजाम बेवकूफ बनाने के लिए, परवेज मुशर्रफ कौन सा कोई सोने की नहरें बना कर गया है यहाँ पर। ठीक है, वजह यह है कि ये पार्लियामेंट जो है कानून साज इदारा है, कौन सी कानून साजी हुई है 70 साल में? आपका पैनल कोड जो है CPC अदालती कोड 1860 का अंग्रेज का बनाया हुआ, उसमें ये अमेंडमेंट कर नहीं सके हैं। आपका रेलवे ट्रैक 1860 की तो बनी, खान साहब से बड़ी उम्मीद लगाई थी लोगों ने, खान साहब हीरा क्यों से, क्या क्वालिटी है? वर्ल्ड कप जीतने पर हमें वो प्राइम मिनिस्टर बना दे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने 3 दफा वर्ल्ड कप जीता, इंडियन कैप्टन ने 2 दफा जीता, क्यों? ये वर्ल्ड कप जीतना की क्वालिफिकेशन है? बोल के वोट लिया है, झूठ बोला है, झूठ सामने नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब जरा गौर से सुनिए, पता नहीं आप लोग टेलीकास्ट करेंगे भी कि नहीं, करेंगे ना सर, बोले ना। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुनाफिक की 3 निशानी बताइए कौन सी? ये हदीस है नबी है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखाई जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। मैं इमरान खान को इस पर ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान आए हैं
क्या वो इस हदीस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे? नहीं उतर। क्या मुनाफिक नहीं थे, झूठे नहीं थे, अमानत में खयानत नहीं की है? किधर गया एहतसाब नैब का? सारे बरी होके बाहर चले गए? सब चले गए। चले गए ना? किसी आज तक 70 साल में अदालतों ने पाकिस्तान में किसी बड़े मुजरिम को सजा दी है? नहीं दी। ये तो साइकिल चोर, मुर्गी चोर, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको पकड़ लिया। और 30-30 साल लोग इंसाफ के लिए जूती रगड़ाते हैं, क्योंकि अदालती निजाम सही करना होता है पार्लियामेंट में, मगर पार्लियामेंट के अंदर ये उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ये 2 साल कैसे रहे? जदों की असी होश संभाली, यहो जे 2 साल यहो जे कभी नहीं आए। हाँ, कभी नहीं आए जिंदगी, जिंदगी कभी नहीं आए। क्यों? मैं 2 साल इतनी महंगाई हो गई है ना, महंगाई नहीं है कोई शहर इतनी कंट्रोल हो रही है देखो, बिल्कुल अल्लाह ताला देखो सानू जल्दी तो जल्दी साड़ी तंग आ गए, तंग आ गए। हाँ, तू तो ज्यादा तंग, पहले अभी पीटीए करते हूँ तंग आ गया जी। एक बार वापस आते तो मजीद गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। ताज़ीन, बात करें कि 2 साल हो गए पाकिस्तान में आम जनरल इंतखाबात हुए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और तब्दीली का सूरज तलू हो गया। खान साहब ने वो वादे किए, अवामी रिएक्शन आपने सुनी है। सलीम बुखारी साहब सुनिए, सहाफ़ी तज़ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब से पूछने के इलेक्शन से पहले जो खान साहब के वादे थे, क्योंकि तब भी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद थे, तब भी अपना तज़िया दे रहे थे, अब 2 साल की कारकर्दगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो ऐलान था, मैनिफेस्टो था, उसके बाद कहा गया 100 रोज़ की कारकर्दगी पर हमें जज कीजिएगा, फिर कहा गया 6 माह की कारकर्दगी पर जज कीजिएगा, फिर कहा साल एटलीस्ट दे दें, फिर कहा कि थोड़ा वक्त और दे दें, घबराना नहीं है, बार बार कहा गया, और अब बिल आखिर 2 साल गुजर गए। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खान साहब ने पहले कहा कि 100 रोज दें, उन्होंने कहा मीडिया तनकीद बहुत ज्यादा करता है, फिर कहा थोड़ा और वक्त दिया जाए, हमारी नई टीम है, यंग टीम है, टाइम लगेगा, रिफॉर्म्स करने हैं, तब्दील करने हैं, पिछले आए खाए लूट कर चले गए, 2 साल बाद कहाँ देख रहे हैं तब्दीली को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसको 2-3 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो वो स्लोगन है, वो वादे हैं, वो पैमान जो इन्होंने बांधे थे इलेक्शन में आने से पहले, जिसको आप कंटेनर पॉलिटिक्स कह सकते हैं। जी हाँ, उन वादों की तादाद गिनती में नहीं आ सकती, लेकिन मैं कि बेपना वादे उन्होंने किए थे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। चंद एक मैं आपको बुनियादी जो नौयत के ऐलान थे वो ये कि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक 200 बंदों की टीम है जो आके पाकिस्तान के हर शुबे को ठीक कर देगी। जी हाँ, सो मच सो के असद उमर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था ये मेरे इकोनॉमिक एरिस्टॉटल हैं और ये बस इकॉनमी को ठीक कर दें। खुद असद उमर साहब ने ये मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठ के चुटकियाँ बजा के कहा कि एक हफ्ते में हम इकॉनमी को ट्रैक पर डाल देंगे। बिलाखिर 1 साल के बाद उनकी नौकरी गई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और जो हाल मईशत का वो छोड़ के गए। मुश्किल ये है कि बेहतरी आने की बजाय मईशत आज वहाँ भी नहीं खड़ी जहाँ उन्होंने इनहेरिट की थी। बिल्कुल ठीक है, और इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं चेक करने के। पहले तो आप देख लीजिए डॉलर कहाँ था जी, और इस वक्त कहाँ है, फिर आप देख लीजिएगा GDP जो था उसका क्या लेवल था और आज क्या लेवल है। ये वो इंटरनेशनल क्राइटेरियंस हैं जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब, वो तो ये तरीके इंसाफ तो ये कहती है कि क्योंकि पीछे जो माजी वाले थे वो इतना बुरा हाल कर गए, इतना बुरा हाल कर गए कि हम तो ऐसी हुकूमत तारीख में किसी को नहीं मिली जो हमें मिली। सुल्तान, मैं एक अहम बात आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ। देखिए, जो खजाना होता है ना, ये हर साल भरता है, बजट इसीलिए तो बनता है। तो माजी का तो आप कर्जे हैं तो उसमें आपको देख लीजिए, आपने कर्जे 2 साल में इतने ले लिए हैं जितने उन्होंने अपने 30 साल के टर्नओवर में लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कौन सा मसला हल हुआ है। बेरोजगारी बदतर हालत में है, एजुकेशन जिसके बारे में इनके दावे थे उसका बजट कम कर दिया, बजट कम किया गया है। हेल्थ जो हालात है अस्पतालों में वो आप देख लीजिए, और अद्वियात मुसलसल महंगी होती जा रही है। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह पाए कि जनाब हालात में बहुत बेहतरी आ गई है, ये तो कहीं है ही नहीं। अच्छा बुखारी साहब, क्योंकि आपका एक तवील सफर है, ये पहली हुकूमत नहीं है या इससे पहले कोई 2-4 हुकूमतें नहीं देखी, आप तवील एक अरसे से सहाफत में मौजूद है। आपके तजर्बे में मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आवाम जो है वो ये कहती है कि जब सियासतदान नारा लगाता है तब हमारा दिल दुखता है। तो ये जो नारे लगाए गए, कहा गया खान साहब का एक बड़ा नारा मशहूर हुआ कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान,
आज आपको पता है आज की अपडेट ये है कि दो साल बाद नान भाई एसोसिएशन ये कह रही है कि हम 15 रुपए का नान भी नहीं बेच सकते, हम इससे महंगा करते जा रहे हैं, मुल्क में आटा शॉर्ट हो चुका है, ज़राअत हमारा बैकबोन है। वो ये कह रहे हैं कि नारा लगाया जाता था। देखिए पहली बात तो ये है कि जितने नारे उन्होंने लगाए थे, चाहे वो 50 हैं, चाहे 150 हैं, चाहे 400 हैं, हर एक के एंड के ऊपर एक यू टर्न खड़ा है। अब फिर इसकी तफसील बहुत लंबी लिस्ट है। उनका IMF पे जाएंगे नहीं, खुदकुशी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, IMF पे गए जी। आपने कहा गैस की कीमत सिर्फ उस वक्त बढ़ती है जब हुक्मरान चोर हो। आपने कहा बिजली की कीमत अपने खजाने भरने के लिए होती है, मुल्क के लिए नहीं होती। बिल्कुल ठीक। हर एक एक वादा जो है मुझे आप याद दिला दीजिए, मैं आपको उसका जवाब पेश कर देता हूँ कि खुद इमरान खान साहब ने उसके ऊपर यू टर्न लिया है। उसकी दो बुनियादी वजह आपके वसादत से मुझे बताना है। पहली बात तो ये है कि वो हुकूमतें जो वोट से इलेक्ट होके आती हैं उनके नुमाइंदे जब काबीना में बैठते हैं तो उन्होंने चूँकि उन्हें ये एहसास होता है कि हमने वापस जाके जवाब देना है, लिहाजा उनकी कमिटमेंट और होती है। बिल्कुल ठीक। और जो अन इलेक्टेड लोग आप लगा के बाहर से सो कॉल्ड स्पेशल असिस्टेंट और मामले खसूसी और मशीर मुकर्रर कर लेते हैं, उनकी कोई कमिटमेंट सॉइल के साथ नहीं होती ना वहाँ के लोगों को। इसके बारे में तो खान साहब खुद कहते रहे कि वो आदमी जिसकी बाहर की नेशनलिटी है उसने वहाँ की लॉयल्टी का हल्फ उठाया, वो तो हमारे साथ मुखलिस तो, नहीं हो सकता। तो किया क्या उन्होंने, 70% उनकी काबीना में अनइलेक्टेड लोग हैं, बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं, कोई नुमाइंदगी कर रहा है IMF की, कोई नुमाइंदगी कर रहा है वर्ल्ड बैंक की। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ इस किस्म का मरगूबा आप तैयार करेंगे उस काबीना की, उस हुकूमत की क्या कमिटमेंट होगी विद द सन द सॉइल, जो लोग यहाँ के पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए कोई ना तो कमिटमेंट है ना ये कोई प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बेहतर होगा। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह भी आपने ये बात की बड़ी अहम निशानदेही है, और ये बात अब तो पाकिस्तान तरीके साफ जो मुंतखब अराकीन सब नहीं वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पूछा जाता, वज़रा हमें मुँह नहीं लगाते, ख़ासतौर पर वो लोग जो इलेक्टेड नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। आपके एक्सपीरियंस में क्या, क्योंकि जब सियासी जमात की बात की जाती बतौर तरीके साहब, तो सियासी जमात है, खान साहब वोट लेकर आए, उनके बाकी मुंतखब लोग वोट लेकर आए, जब एक सियासी जमात इलेक्शन से पहले नारा लगाती है और वो जो मैनिफेस्टो की किताब बार बार लहरा के बताई जाती है कि उसमें से कुछ पूरा नहीं होता, वो सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, या माजी में ऐसा हुआ है? देखिए इसके हवाले से कई बातें की जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसके हवाले से जो कंट्रोवर्सी है आपके सामने है, जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट मैनिपुलेट हुए थे वो अपनी जगह है, फिर किस तरह से हुकूमत बनी, मांगे हुए वोटों पर हुकूमत कायम है सेंटर में भी और पंजाब बहुत बड़ा सूबा वो है, 12 वोट वहाँ से इधर कर दें, 11 वोट यहाँ से इधर कर दें, बैठ जाते हैं। ऐसी हुकूमत कमिटमेंट के साथ कोई फैसला कर ही नहीं सकती इतनी बल्ले। एक बात, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा आपका नारा जो था वो था इत्साब का, आपने इत्साब के नारे को कन्वर्ट कर लिया है सियासी इंतकाम में, इसलिए कि आपका जो चेयरमैन नैब है वो वन आइट जैक की तरह से सिर्फ अपोजिशन की तरफ देखता है, उसको हुकूमत में बैठे हुए 65 से ज़्यादा नैबिया नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक है ये, और वो ये ठीक नहीं है। इससे बदतर बात बताने लगे हूँ कि वही चेयरमैन वो कहता है अगर मैं हुकूमत के हवारियों पर या हुकूमत के लोगों पर हाथ डालूंगा ये 10 मिनट में गिर जाएगी, वो कहता है मैं अगर डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ लूंगा जिसके ऊपर नैब का केस है तो वो कहीं हवालात में कलेप्स ना कर जाए। ये इसको आप इत्साब कहते हैं? तो इत्साब का नारा इस बुरी तरह से पिटा है, जिसने जिस बुनियाद पर इमरान खान खड़ा था वो नीचे से बुनियाद हट गई है। अब वो अपने बंदों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी हाँ, उसमें जो उसके बाद तो नैब को उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए था या हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा नैब जो है ये सियासी मैनिपुलेशन के लिए, ये बाजू मरोड़ने के लिए, ये इंतकाम लेने के लिए जो है वो काम कर रही थी। तो एहसाब का जो एक बहुत बड़ा स्लोगन था खान साहब का वो भी पेट गया, जमीन बुर्द हो गया, वो तो दफन हो गया। दूसरा ये था कि इस्लाहात लाएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स किधर गए जनाब? वो जो दुरानी साहब आए थे जिनको लेके आए थे कि पुलिस में रिफॉर्म्स होगी, नहीं हुई, भगा दिया, 15 दिन में भगा दिया। फिर आपने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें हम रिफॉर्म्स करेंगे, आपने चार पांच कहा कि मैं बतौर गवर्नर ये बात कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स मेरा काम नहीं कर रहे, अगर काम नहीं करेंगे तो उनका नाम ले लूंगा टीवी पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप 6 महीने में 4 IG बदलेंगे, आप 1 हफ्ते में 6 सेक्रेटरी बदलेंगे तो ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं खड़ी। बिल्कुल ठीक है। आपने अहद चीमा को मिसाल बनाने की कोशिश की, आपने फवाद हसन फवाद को मिसाल बनाने की कोशिश की, क्या निकला? दो साल, डेढ़ डेढ़ साल जेलों में रहने के बाद आप उनके केसेस बंद कर रहे हैं इसलिए कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो जो इस तरह की गवर्नेंस है
जो सबसे बड़ा क्राइटेरियन है किसी भी हुकूमत को जज करने का वो है उसकी गवर्नेंस. बिल्कुल ठीक है. गवर्नेंस इज एट सब जीरो लेवल. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ये कुछ बहुत मैं कमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुख की बात है, अफसोस की बात. ये अफसोस है. इमरान खान साहब से मुझे शिकायत ये है कि वो दो साल गुजरने के बावजूद भी अपनी इन नाकामियों को सामने रख के नए सिरे से एक नई बसात बचाने तक पर आमादा नहीं है. और अगर ये इसी तरह से जारी रहेगी तो ये टनोर पूरा होता है कि नहीं होता है इसके बारे में. बुखारी साहब, अभी मैं आवाम के पास से होकर आया तो आवाम तो चीख रही है. मुसलसल आवाम के पास जाता हूँ, वो कहते हैं कि पहले हालात जैसे भी थे, अभी कोरोना को सामने रखा गया, वो कहते हैं कोरोना से पहले हालात बहुत ख़राब हो गए थे, बेरोज़गारी बढ़ी है, अभी ज़्यादा शुमार ये कहते हैं कि 7% और इजाफा हो जाएगा बेरोज़गारी में, आवाम और नीचे चली जाएगी. खान साहब ने खुद कहा कि 25% से ज़्यादा आवाम जो है हमारी खतः गुरबत की लकीर से नीचे रहती है, इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है. तो दादो शुमार ये कह रहे हैं अवाम परेशान है, अवाम को क्या बताएंगे, अवाम सुन रही है आपको, वो क्या उम्मीद रखे? सुल्तान शाह, दो चीज़ों से डरना चाहिए, एक अल्लाह की रहमत से और एक अवाम के गैसो गज़ब से. मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ. जितने दुनिया के नॉन रेवोल्यूशंस हैं सवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब के, बाकी सब गुरबत की लकीर से शुरू हुए हैं. अवाम उठे हैं, बाहर निकले हैं और उन्होंने तख्त व तराज करके रख दिया है, चाहे वो बादशाह थे, चाहे वो डिक्टेटर्स थे, चाहे वो एंटी डिक्टेटर थे, हिस्ट्री आपके सामने है. जी हाँ. जो अवाम की चीखें जिसकी बात आप कर रहे हैं, इससे तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को डरना चाहिए कि अगर ये अवाम सड़कों पर आ गए अपने हक के लिए, वो क्या मंजरनामा होगा, मैं उसकी तफसील में जाऊंगा. इसमें एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि अवाम की चीखें आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, क्या ऑपोजिशन खामोश है, उसको ये चीखें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये वो वैक्यूम है जहाँ पे ऑपोजिशन आती है. जैसे खान साहब ने हाइप क्रिएट की और गेन किया बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली, तो ऑपोजिशन की तरह है. बहुत ही आपका अहम नुक्ता है कि जहाँ गवर्नेंस नहीं होती, जहाँ हुकूमतें नाकाम होती हैं, वहाँ ऑपोजिशन का रोल होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, आवाम को मोटिवेट करें, आवाम के मसाइल को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ें. हमारी अपोजिशन से ये मुझे सख्त शिकायत है और ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए, अपने अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कुछ भी करने पर आमादा है, लेकिन अवाम के मसाइल जो हैं उनको बुनियाद बना के सियासत करने पर आमादा नहीं है. जितनी हुकूमतें वक्त जिम्मेदार है उससे ज्यादा अपोजिशन जिम्मेदार है आज जो मंजरनामा हमारे सामने. ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील बुखारी साहब, जिन्हें साफी तज्जिया कहा जाता है, हमारे साथ मुझसे गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है. अवामी राय आपने सुन ली, बुखारी साहब का तज्जिया आपने सुन लिया. बात वही है कि आवाम चीख रही है, बुखारी साहब कह रहे हैं अपना तज्जिया, अपना एक्सपीरियंस बेस रखते हुए बात करें कि पहले जो हुकूमतें नारे लगाती थी उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करती थी, क्योंकि आवाम से वोट लेना होता था, दोबारा आवाम के पास जाना होता था, एक खौफ होता था कि कहीं अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाए या इलेक्शन टर्म पूरी होने के बाद इंतखाबात होए तो आवाम हमसे बदला ना ले, हमारा जो वोट उन्होंने दिया था वो वापस ना ले. और अभी मरतबा मुखालिफ को वोट तो नहीं देते, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बुखारी साहब ने उठाया, जो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के दो साल के बाद, जी हाँ दो साल के बाद, अपने अराकीन असम्बली ये बात करें कि मुंतखब नुमाइंदों की बात सुनी नहीं जाती, बाकी आप बेहतर फैसला कर सकते हैं क्योंकि आप बेहतर देख रहे हैं. वोट आपने दिया आज के दिन दो साल कबल 25 जुलाई 2018 को तब्दीली का सूरज कल हुआ, अभी तब्दीली कहाँ खड़ी है, ये इसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं. शुक्रिया, सुल्तान शाह दीजिएगा, अल्लाह ने करता.